हरियाणा में वीर एवं शहीद दिवस के मौके पर बल्लभगढ़ के शहीद स्मारक पर एसडीएम व शहर के गणमान्य लोगों ने शहीद राव तुलाराम को श्रद्धांजलि अर्पित कर शहीदों को याद किया। हरियाणा में शहीदों की याद में वीर एवं शहीदी दिवस मनाया गया, जहां बल्लभगढ़ स्थित शहीद स्मारक पर एसडीएम त्रिलोक चंद्र और टीपर चंद्र शर्मा के अलावा शहर के गणमान्य लोगों ने शहीद राव तुलाराम की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर शहीदों को याद किया। इस दौरान फरीदाबाद में विशाल कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन भी किया गया, जहां भारी मात्रा में वैक्सीन लगवाने आए लोगों को वैक्सीन लगाई गई। राजा बल्लू की नगरी में एक ऐसे महान योद्धा की शहीदी दिवस मना रहे हैं राव तुलाराम जी का, जिन्होंने अंग्रेजों से बहुत लड़ाई लड़ी और आज के दिन उनका शहीदी दिवस है। बड़े हम पूरे हरियाणा, पूरे प्रदेश, पूरे देश के लोग इस शहीदी दिवस को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों को याद रहे कि हमारे शहीदों ने कितनी कुर्बानी की इस देश में। आज भी कहीं ना कहीं लड़ाई जारी है किसान और सरकार के बीच, क्या लगता है कि ऐसी ही लड़ाई चलती रहेंगी आगे? नहीं, किसानों की और सरकार की कोई लड़ाई नहीं है, ये तो कोई विपक्ष के लोग हैं। इस तरह की लड़ाई में एक मुहिम बनाए हुए हैं, किसान अपने घर पर काम कर रहा है, अपनी खेती बाड़ी में लगा हुआ है। एसडीएम साहब को दोबारा से लेकर आए हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या जिम्मेदारियां? बड़ी खुशी की बात है। बढ़िया अधिकारियों को बार बार आना चाहिए और अधिकारी अपनी बखूबी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। हालांकि मंत्री जी ने कार्यक्रम में घोषणा की थी शहीदों के नाम पर सड़क का नाम रखे जाने की, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई, कहीं देखने को नजर नहीं आया, कब तक पूरी हो पाई? देखियो, प्रतिक्रिया भी चल रही है, शहीदों के नाम से सड़कें, शहीदों के नाम से इमारतें, ये रखनी जरूरी हैं। अब बहन सुषमा के नाम से एक कॉलेज बन रहा है बल्लभगढ़ में, एक राजा नाहर सिंह के नाम से हमने मेट्रो स्टेशन ग्राम रखवाया गया है, और आने वाली नई नई जो गुलाब सिंह सैनी के नाम से एक हमने अपना कम्युनिटी सेंटर बनाया है, शहीदों के नाम से रखा जाएगा। अधिकारी और प्रशासन और जनता जो मांग करेगी, अधिकारी उसी काम को करेंगे। कोलियरी कर्मचारी संघ के कथारा शाखा अध्यक्ष राजू स्वामी जी की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को विश्वकर्मा पूजा, गांधी जयंती, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई।